अस्सलाम वालेकुम ग्रेड फोर, टुडे आर टॉपिक इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। HCF क्या होता है? आपने दो सेट्स ऑफ नंबर्स होंगे, उनमें से आपने पहले उनके फैक्टर्स लिखने हैं, देन उनमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा और जो दोनों में कॉमन होगा, सेम होगा, उसको आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख देना है। लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12। आपने देखना है 12 कौन कौन से टेबल में आता है, तो आपने वो इसमें लिख दिए। फैक्टर्स ऑफ 18 लिख दिए, द कॉमन फैक्टर्स टू बोथ ऑफ द नंबर आर 1, 2, 3 and 6। इन दोनों में कॉमन कौन कौन से, 1, 2, 3 and 6। सो इन दीज 1, 2, 3 and 6, 6 इज हाईएस्ट ऑफ देम। 6 जो है इन सब में बड़ा है, सो 6 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 18। देयर फॉर 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 18। फिल इन द वेन डायग्राम टू फाइंड द HCF ऑफ 12 and 18। वेन डायग्राम ऐसी होती है और इसमें आपने क्या करना है, एक तरफ 12 के फैक्टर लिखने हैं, एक तरफ 18, और जो सेंटर वाली आ जाएगी वैल्यू उसमें आपने लिखने हैं जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, जो इसमें भी आते हैं और इसमें भी, और फिर आपने उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको सर्कल कर देना है। अ वेन डायग्राम हेल्प सॉर्ट थिंग्स आउट मोर क्लियरली बाय प्लेसिंग कॉमन फैक्टर्स और आइटम्स फ्रॉम अ सेट ऑफ टू सेपरेटली फ्रॉम द अनकॉमन वंस। उन्होंने कहा वेन डायग्राम जो होती है वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देती है, जो अनकॉमन होंगे वो एक साइड पर रह जाएंगे और जो कॉमन होंगे वो सेंटर में आ जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इजी, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 9, विच इज़ सॉल्व एज डायरेक्टेड। उन्होंने कहा जैसा हमने आपको कहा है वैसे आपने इसको सॉल्व करना है। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर बाय लिस्टिंग फैक्टर्स, आर देयर एनी पेयर्स ऑफ को प्राइम फैक्टर्स अमंग देम। उन्होंने कहा पहले आपने क्या करना है, इनके फैक्टर्स लिखने हैं और फिर आपने इनको HCF फाइंड आउट करना है और देखना है कि कोई ऐसे को प्राइम फैक्टर्स हैं कॉमन जो उनमें दोनों में हों, पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स अमंग देम। सो आवर फर्स्ट नंबर इज 9 and 12, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर इज 9 and 12। पहले हम 9 के फैक्टर्स लिखेंगे। सो 9 कौन कौन से टेबल में आता है, 1, 3 and 9। नेक्स्ट इज 12, सो 12 के हैं 1, 2, 3, 4, 6 and then 12। सो द कॉमन फैक्टर्स आर, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1, 3, 1 and 3, ठीक है। 1 and 3 आर कॉमन फैक्टर, दिस इज 1 and this is 3, दीज आर कॉमन फैक्टर। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज HCF इज 3। इनमें HCF कौन सा है, 3 है। सो को प्राइम जो उन्होंने पूछा, को प्राइम नंबर्स अमंग देम, वो ये है, नंबर दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। Therefore 20 and 21 आर को प्राइम नंबर्स। उन्होंने कहा ऐसे दो नंबर्स जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते उनको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। इनके तो दो कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 and 3, सो दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स। कोई भी ऐसे नंबर्स जिनके आपस में कोई भी फैक्टर्स नहीं होते, दे आर नोन एज 1 के अलावा, नंबर दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। अच्छा, 1 जो है इसमें 1 है, अगर इसमें ओनली 1 होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कॉमन फैक्टर तो वो क्या होता, को प्राइम नंबर भी होते हैं दोनों, लेकिन इसमें 1 and 3 है, सो इट इज़ नॉट अ को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट इज 4 and 5। आपने 4 and 5 के भी फैक्टर्स लिखने हैं, नंबर 2, दिस इज़ नंबर 1 and this is number 2, 4 and 5। पहले हम 4 के फैक्टर्स लिखेंगे, 4 कौन कौन से टेबल में आता है, 1, 2 and 4। नेक्स्ट इज 5, 5 कौन से नंबर टेबल में आता है, 1 and 5, ठीक है। तो इनके HCF क्या है, कॉमन फैक्टर इनका क्या है, 1 है, ठीक है। सो दीज आर को प्राइम नंबर्स, इनके सिर्फ 1 ही है जो इनका कॉमन फैक्टर है, सो दीज आर को प्राइम नंबर्स। ऐसे तमाम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, दे आर नॉन एज को प्राइम नंबर्स, ठीक है। आगे है 12 and 16। आपने इसी तरह इनके जो हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, अगर इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आ रहा है, सो दे आर ऑल्सो को प्राइम नंबर्स। वैसे आपने इनका सिंपल जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, सो दिस इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर बाय ड्राइंग अ वेन डायग्राम फॉर ईच, आर एनी ऑफ दीज पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। उन्होंने कहा इनका भी आपने HCF फाइंड आउट करना है और आपने फिर क्या है, इनको वेन डायग्राम में भी फिल करना है। नंबर फर्स्ट इज 16 and 24, सो वी विल राइट हेयर 16 and 24, दिस इज़ नंबर 8,
वी विल राइट फैक्टर्स ऑफ 16 एंड देन 24. फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1, 2, 4, 8 एंड 16. ओके, एंड 24 के कौन से फैक्टर हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 8, then 12 and 24. ठीक है, सो देयर कॉमन फैक्टर्स आर, इनके जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं इन दोनों में, दीज आर 1, then 2, then 4, then 8. ठीक है, ये इनके आ गए हैं कॉमन फैक्टर्स. अब हमने क्या करना है, इनके ये को प्राइम नंबर्स तो हैं नहीं क्योंकि इनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कॉमन, तो अब हम इनकी वेन डायग्राम बनाएंगे. वेन डायग्राम में आपने क्या करना है, दो सर्कल्स बनाने हैं, ऐसे सर्कल बनाने हैं जो सेंटर में ओवरलैप कर रहे हैं, लाइक दिस. सेंटर में इनका ओवरलैप होना चाहिए. इस साइड पे हम लिखेंगे 16 के फैक्टर्स और इस साइड पे हम लिखेंगे 24 के. 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जो कॉमन फैक्टर होंगे वो सेंटर में लिख देंगे, 1, 2, 4 एंड 8. जो रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स होंगे वो हम यहाँ लिख देंगे. 1, 2, 4 एंड 8 तो इनके यहाँ से चले गए, बाकी बच गया 16, और इनके 1, 2, 4 एंड 8 चले गए तो बाकी बच गया 3, 6, 12 एंड 24. सो देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 8. इस सब में इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 8 है. ये भी इसके अंदर चला गया था. ठीक है, सो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके फैक्टर्स लिखने हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, और फिर आपने इसको वेन डायग्राम में फिल करना है. देन आपने देखना है कि बीच में से सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है. नेक्स्ट इज 6 एंड 8. एक और मैं आपको करवा देती हूँ, फिर बाकी आप जो है वो खुद करेंगे. नंबर 2 इज 6 एंड 8. पार्ट नंबर 2 इज 6 एंड 8. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 8. 1 जो है वो सबका ही फैक्टर होता है, तो वो सब में ही आएगा. 1, 2, 3 एंड 6. एंड 8 के फैक्टर कौन से हैं, 1, 2, 4 एंड 8. सो देयर कॉमन फैक्टर्स आर, देयर कॉमन फैक्टर्स आर 1, then 2. ठीक है, इसके दो ही कॉमन फैक्टर्स हैं, तो इसमें आपने पहले वेन डायग्राम बनानी है. वेन डायग्राम आपने दो सर्कल ऐसे बनाने हैं जो सेंटर में ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है, इस साइड पे आपने 6 के फैक्टर लिखने हैं और इस साइड पे 8 के. 6 के फैक्टर कौन से हैं, 1, 2, 3, 6. सेंटर में आप वो लिख लें जो कॉमन फैक्टर है, 1 एंड 2. बाकी जो रेस्ट हैं वो आपने इसके अंदर लिखने हैं, 6. इसका मतलब है 1, 2, 3 एंड 6 इस पूरे सर्कल के फैक्टर्स हैं, एंड 1, 2, 4 एंड 8 इस पूरे सर्कल के फैक्टर. और इनके कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 1 एंड 2. और इन दो कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट फैक्टर इज 2. सो 2 इज द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 8 इज 2. ठीक है, ये जो 2 है वो इन दोनों का एचसीएफ है. एचसीएफ का मतलब है कि ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो दोनों नंबर पे डिवाइड हो जाता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. ये 2 है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. नेक्स्ट जो है 3 है, वो तो 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, 6 से होता है. इसी तरह 4 है, वो 6 से नहीं होगा, 8 से. लेकिन 2 जो है वो दोनों से डिवाइड हो जाएगा विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. सो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स उनको वेन डायग्राम में लिखना है, और फिर आपने उसमें से जो सेंटर में जो होंगे उनमें से जो हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर होगा वो एचसीएफ होगा. सो दिस इज़ एक्सरसाइज नंबर 9, पार्ट नंबर 1 एंड 2. सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज़ योर होमवर्क. जज़ाकअल्लाह.